दोस्तों इस वीडियो में मैं गूगल सर्टिफाइड एड पार्टनर इजोइक के बारे में बात करने वाला हूँ। हाउ टू अप्लाई फॉर इजोइक, इजोइक में अप्रूवल लेने का क्या क्राइटेरिया है, कैसे आप अप्रूवल ले सकते हो, सारा जानकारी इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो गूगल सर्टिफाइड पब्लिशिंग पार्टनर, इस पे इजोइक का नाम भी आता है, मतलब इजोइक एक गूगल सर्टिफाइड एड पार्टनर है एंड इसके बारे में यहाँ पे आके आप रीड आउट कर सकते हो। अब देखो इजोइक में अप्लाई करने का प्रोसेस क्या रिक्वायरमेंट है इजोइक में अप्लाई करने के लिए फिलहाल डेट में, उसी के बारे में ही इसी वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। सो चलिए इजोइक के वेबसाइट में विजिट करते हैं एंड दिखा देते हैं क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सो जैसे कि आप देख सकते हो ये है वेबसाइट ऑफ इजोइक। अब देखो इजोइक एक बहुत ही तगड़ा प्लेटफॉर्म है एंड ये ऑब्वियसली एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है क्योंकि ये गूगल सर्टिफाइड एड पार्टनर है। सो दोस्तों पहले तो बात कर लेते हैं इजोइक में अप्लाई करने का क्या क्राइटेरिया है। सो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो इजोइक साइट ही ओपन है एंड यहाँ पे इजोइक रिक्वायरमेंट्स लिखा हुआ है। आपके साइट में अगर 10,000 मंथली विजिटर होता था तभी इजोइक अप्रूवल देता था, मगर अभी इसमें कोई भी सच ट्रैफिक रिक्वायरमेंट है नहीं, यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं किया गया है, मगर बेसिक आपको ट्रैफिक लमसम 1000 के ऊपर ट्रैफिक रहेगा तभी आप अप्लाई करना इजोइक में। सो यहाँ पे बेसिकली जो कहा गया है साइट कंटेंट, आपका जो साइट कंटेंट है वो ऑब्वियसली गूगल फ्रेंडली होना चाहिए। एडसेंस अप्रूवल इज नॉट एक्चुअली नेसेसरी इन ऑर्डर टू यूज इजोइक फॉर द वर्स्ट मेजोरिटी ऑफ साइट्स। सो एडसेंस अप्रूवल भी नेसेसरी नहीं है इजोइक यूज करने के लिए, मगर एडसेंस का जो पॉलिसी है उसको कंपाइल करना चाहिए। आपके जो साइट है वो एडसेंस सपोर्टेड लैंग्वेज भी होना चाहिए एंड टाइप ऑफ साइट यहाँ पे मेंशन किया गया है। एट द मोमेंट वी ऑफर इजोइक मोनिटाइजेशन प्रोडक्ट दैट इज इजोइक एड्स टू इंफॉर्मेशनल एंड कंटेंट रिच साइट। अगर आपके साइट में इंफॉर्मेशनल एंड कंटेंट रिच साइट है तभी ये जल्दी आपको यहाँ से अप्रूवल मिलेगा एंड साइट का कंटेंट ऑब्वियसली कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉपी पेस्ट होगा तो इजोइक से अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिलेगा। सो बेसिकली यहाँ पे कोई भी एज सच ट्रैफिक रिक्वायरमेंट अभी है नहीं इजोइक में अप्लाई करने का। मेरा यही मानना है कि आपके साइट में मंथली एटलीस्ट 1000 के ऊपर ट्रैफिक आएगा तभी अप्लाई करना, तब जल्दी आपको अप्रूवल मिलेगा एंड सेकेंडली आपको जो आपका जो साइट है वो गूगल फ्रेंडली होना बहुत ही जरूरी है। इजोइक में अप्रूवल लेने के लिए आपका साइट गूगल फ्रेंडली होना चाहिए एंड कॉपी पेस्ट वाला साइट होगा तो यहाँ पे अप्रूवल बिल्कुल नहीं मिलता है। अब बात करते हैं इजोइक में कैसे ज्वाइन करेंगे एंड क्या प्रोसेस है, डिटेल में बताएंगे सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। सो इजोइक में बेसिकली ज्वाइन करने के लिए आपको गेट स्टार्टेड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। सो देखो यहाँ पे फर्स्ट योर मेल आईडी, सो यहाँ पे आपका मेल आईडी डालना है। सो मैं मेल आईडी डाल देता हूँ एक और यहाँ पे मैं फिर इसको ही फिर से यहाँ पे टाइप कर लेना है मेल आईडी को। सो यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ। सो दोस्तों इजोइक में अप्लाई करने का जो प्रोसेस है ये थोड़ा टिपिकल है तो वीडियो को ध्यान से देखना एंड शुरू से एंड तक देखना है। सो यहाँ पे मेल आईडी डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको डालना है आपका डोमेन नेम। सो मैं एक डोमेन नेम डाल देता हूँ, कोई भी एक डोमेन नेम जो कि आपके पास है वो डोमेन नेम आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। सो यहाँ पे मैंने डाल दिया एक डोमेन नेम, इसको आई एग्री करना है एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब देखो व्हाट आर यू इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग ऑन योर डोमेन। सो डोमेन नेम यहाँ पे है और क्या आप इम्प्रूव करना चाहते हो, तो बेसिकली रेवेन्यू इम्प्रूव करना चाहते हैं, साइट स्पीड भी इम्प्रूव करना चाहते हैं एंड एनालिटिक्स भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। सो यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे।
कंग्रेचुलेशन, योर इजोइक अकाउंट इज रेडी। सो यहां पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहां पे दो प्रोसेस है, ऑटोमेटेड वी विल अप्लाई द ऑप्टिमल सेटअप फॉर यू, एंड सेकेंड जो है सेटअप माई सेल्फ। डू यू वर्क, वी विल शो यू हाउ। सो यहाँ पे देखो मैं ये वाला सेकेंड वाला प्रोसेस सिलेक्ट करता हूँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा। आप देखो बेसिकली आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पासवर्ड एक आपको यहाँ पे चूज करना है। सो यहाँ पे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड पासवर्ड मैं चूज कर लेता हूँ। दोस्तों इजोई को अपना साइट के साथ इंटीग्रेट करने के लिए दो मेथड मिल जाता है, एक है क्लाउडफ्लेयर एंड एक है वर्डप्रेस प्लगइन। अगर आपके वेबसाइट वर्डप्रेस में है तो आप वर्डप्रेस प्लगइन यूज करके अपना साइट को इंटीग्रेट कर सकते हो इजोई के साथ, या तो आप क्लाउडफ्लेयर मेथड को भी यूज कर सकते हो। क्लाउडफ्लेयर मेथड में आपको जस्ट अपना साइट को क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट करना होता है, क्लाउडफ्लेयर का आईडी पासवर्ड यहाँ पे डालना होता है। एंड वर्डप्रेस प्लगइन से कैसे आप इंटीग्रेट करोगे अभी मैं बताने वाला हूँ। सो बेसिकली वर्डप्रेस साइट के लिए ये मेथड मुझे बेटर लगता है। सो डायरेक्टली यहाँ पे वर्डप्रेस पे आना है। वर्डप्रेस पे आने के बाद यहाँ पे इजोई प्लगइन डाउनलोड एंड इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे इजोई प्लगइन का सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस इंटीग्रेटेड एंड यहाँ पे कुछ कंपैटिबिलिटी इशू है, तो इस कंपैटिबिलिटी इशू को सॉल्व करना है। सो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे देख सकते हो कुछ प्लगइन है जो कि डीएक्टिवेट करना होगा तभी ये कंपैटिबिलिटी इशू हटेगा। तो एक एक करके मैं प्लगइन को डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे कि फर्स्ट प्लगइन देख सकते हो @.txt मैनेजर, इसको पहले डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। सो इस प्लगइन को डीएक्टिवेट करने के लिए आपको डीएक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक कर देना है और आप देख सकते हो @.txt प्लगइन डीएक्टिवेट हो चुका है। अब सेकेंड जो प्लगइन है जो कि लाइट स्पीड कैचे प्लगइन को भी डीएक्टिवेट करना होगा। सो मैं यहाँ पे डीएक्टिवेट प्लगइन पे क्लिक करता हूँ एंड लाइट स्पीड कैचे प्लगइन को भी डीएक्टिवेट कर लेता हूँ। सो देख सकते हो प्लगइन डीएक्टिवेटेड हो चुका है। अब फिर से यहाँ पे इजोइक के सेटिंग्स पे चलेंगे। इस स्टेप में क्या करेंगे, @.txt को सेटअप करना है। इसके लिए आपको सेटअप @.txt पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो एक साइट का लिंक आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो साइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, इस साइट पे एक अकाउंट आपको क्रिएट कर लेना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे साइट के नेम, कंपनी नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड सब पुट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्री इसको एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करने के बाद आपको क्रिएट माई अकाउंट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, इस साइट पे आपका अकाउंट बन जाएगा। अब देखो अकाउंट बन चुका है एंड मैं लॉगिन कर चुका हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से अकाउंट बन चुका है एंड मैं इस साइट पे लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद कुछ स्टेप आपको फॉलो करना है। नॉट इंटीग्रेटेड करके दिखा रहा है, तो यहाँ पे कुछ साइट को एक्सेप्ट करना होगा। सो यहाँ पे मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करूँगा पहले। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे गूगल एड मैनेजर, गूगल एडसेंस एंड इजोइक को ऑथोराइज कर देंगे। एक एक करके ऑथोराइज कर देते हैं। इसके बाद गूगल एड मैनेजर अकाउंट आपको यहाँ पे क्रिएट करना है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो अकाउंट आईडी है, इसको कॉपी करेंगे और वर्डप्रेस पे जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे आईडी को, देन सेव सेटिंग पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, @.txt सेटअप सक्सेसफुल हो जाएगा।
सो @.txt चेक करने के लिए आपको आपका डोमेन ads.txt लिखेंगे और सर्च मार लेंगे, तो इसे आप देख सकते हो @.txt ऐसे कुछ इस तरीके को देखने को मिलेगा। अब @.txt सेटअप हो चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्डप्रेस इंटीग्रेट भी हो चुका है एंड ads.txt सेटअप भी सक्सेसफुली हो चुका है। सो यहाँ पे देख सकते हो डू यू हैव एन एक्टिव एडसेंस अकाउंट, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे क्योंकि एक्टिव एडसेंस अकाउंट है, अगर नहीं है आपके पास तो नो पे क्लिक करना। डू यू ऑलरेडी हैव एन एड मैनेजर अकाउंट, सो पहले से ही एक एड मैनेजर अकाउंट आप लोग क्रिएट करना एंड मैं ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था एड मैनेजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, बहुत इजी एंड सिंपल प्रोसेस है। आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख के एड मैनेजर अकाउंट एक क्रिएट कर लो। इसके बाद यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना। यहाँ पे अब एड मैनेजर अकाउंट होगा तो यहाँ पे नेटवर्क कोड आपको मांगेगा। सो नेटवर्क कोड कैसे आपको मिलेगा, यहाँ पे देखो एड मैनेजर अकाउंट मैं ओपन कर चुका हूँ और यहाँ पे बेसिकली आपका नेटवर्क कोड रहेगा। सो नेटवर्क कोड को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड सेकेंड जो है एड मैनेजर का ईमेल आईडी यहाँ पे देना है। आप देखो कंफर्म ईमेल आईडी यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा, यहाँ पे आपको टाइप करना होगा मेल आईडी को। उसके बाद आपको क्या करना है, सेंड इनवाइट पे क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा, MCM के लिए इनवाइट एक चला जाएगा। आप देखो एड मैनेजर अकाउंट पे फिर से लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे एडमिन पे क्लिक करोगे और एकदम लास्ट में देख सकते हो मल्टीपल कस्टमर मैनेजमेंट ऑप्शन इनेबल हो चुका है। सो इस पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पे देख सकते हो ये जो इजोइक का पेंडिंग दिखा रहा है, चाइल्ड मस्ट बी एक्सेप्टेड, सो इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो इजोइक यूरोप इस पे इसके ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पे इसको टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे एक्सेप्ट बटन है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अब देखो ये अप्रूव्ड हो चुका है। सिलेक्ट द परसेंटेज ऑफ ट्रैफिक दैट यू वुड लाइक टू इम्प्रूव थ्रू द इजोइक प्लेटफॉर्म। सो यहाँ पे कौन सा ट्रैफिक को आप इम्प्रूव करना चाहते हो वो यहाँ पे मांग रहा है, तो बेसिकली मैं तीनों ही कर देते हैं परसेंटेज में और 50% रख देते हैं। 50% ट्रैफिक मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ एंड यहाँ से भी मैं 50% ही कर लेता हूँ। सेव पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इजोइक रिव्यू इस पे जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो योर साइट इज बीइंग रिव्यूड बाय आवर प्लेटफॉर्म क्वालिटी टीम। ऑब्वियसली इसका क्वालिटी जो टीम है वो आपके साइट को वेरीफाई करेगा। योर इजोइक रिप विल नाउ मेक श्योर दैट योर साइट इज मीट्स इजोइक रिक्वायरमेंट एंड क्वालिटी गाइडलाइंस। दिस टिपिकली टेक एटलीस्ट 24 to 48 hours। तो 24 to 48 hours के अंदर ये रिव्यू करेगा आपके साइट को, उसके बाद एड्स रन करेगा। एंड बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हो इस सेक्शन में सेटअप इजोइक लीप, इसको आप सेटअप कर सकते हो। यूज सेटअप विजेट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप प्रोसेस टू कोर्स पे क्लिक करके बाकी कैचे सेटिंग्स वगैरह आप यहां से आप सेटअप कर सकते हो। सो बेसिकली इसको चाहिए नहीं, मुझे बेसिकली ये वाला ही चाहिए था। सो इजोइक का अप्रूवल चाहिए तो यहां से मैं अप्लाई कर दिया, कैसे करना है ये भी मैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। बट वीडियो एंडिंग से पहले मैं इजोइक का थोड़ा बेनिफिट्स बता देता हूँ। इजोइक में बेसिकली आपको $20 में पेमेंट मिलता है जो कि स्मॉल पब्लिशर्स के लिए भी अच्छा है। एंड बेसिकली इसका जो AI सिस्टम है काफ़ी अच्छा है एंड आपका फील्ड रेट मैक्स टू मैक्स आपके साइड में मिलता है जो कि बहुत ही बढ़िया है। सो एक बार आप अपना साइट को अप्लाई करके इजोइक में अप्लाई करके देख सकते हो।
अगर अप्रूवल मिल गया तो यूज करके देख सकते हो, इसमें आपका रेवेन्यू में इंक्रीमेंट आएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड टेक फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं और भी एक्साइटिंग वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय एंड टेक।